अगर मुझे थोड़ी भी देर हो गई तो आज हीना की इज्जत लुट चुकी होगी। यही सोचते हुए शिखर भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वैन बाहर लगी हुई है मगर उसमें कोई नहीं है। वो भागता हुआ इधर उधर शीना को ढूंढता हुआ थाने के अंदर घुस जाता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो एक नहीं सुनता। एक हवलदार उसे पकड़कर बाहर निकालता है। वो चारों ओर नजर घुमाता है मगर उसे शीना थाने में कहीं नहीं दिखती। शिखर सोच में पड़ जाता है क्योंकि जिस वैन में उसने शीना को बैठे देखा था वो वहीं खड़ी थी पर शीना का कोई अता पता नहीं था। हवलदार उसे खदेड़ कर पुलिस थाने के बाहर निकाल देता है। शिखर समझ नहीं पा रहा है कि अगर ये वैन यहाँ है तो शीना आखिर कहाँ जा सकती है। थाने के बाहर ये एक टपरी है जहाँ हवलदार बैठकर चाय पीते हैं। वो जहाँ से चाय थाने जाती है वो थाने से निकलकर चाय के खाली गिलास लिए एक आदमी को टपरी की तरफ जाते देखता है। शिखर मन ही मन सोचता है कि हो ना हो इस आदमी को थाने के अंदर और बाहर की खबर जरूर होगी। इसे जाकर पूछता हूँ शायद शीना की कुछ खबर मिल जाए। शिखर सीधा चाय की टपरी की तरफ चल पड़ता है। शिखर उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, इस वैन में कुछ देर पहले किसी लड़की को आते देखा क्या आपने? ये अंदर थाने में जाके पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम कोई हवलदार दिख रहे हैं क्या? गया था वहाँ पूछने भी, तुमने तो देखा ना कैसे बाहर निकाल दिया मुझे। देखो उस लड़की की जान खतरे में है, देर होगी तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा घट जाएगा। शिखर समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानने वाला। शिखर अपनी जेब से एक 500 का नोट निकालता है और उस टपरी वाले आदमी को पकड़ाते हुए कहता है, मुझे बस इतना सा जानना है कि वो उस लड़की को कहां ले गए। टपरी वाला 500 का नोट जेब में रखता है और एक कप चाय लेकर शिखर के पास आता है और फुसफुसाते हुए कहता है, इस थाने के पीछे थोड़ी दूर पर एक बंगला है जिसे ये कानून वाले अपने गैर कानूनी कामों के लिए प्रयोग करते हैं, और जो बुरा आप उस लड़की के साथ होने का कह रहे हो सकता है मेरे ख्याल में वो अब तक हो चुका होगा। आपको आने में जरा देर हो गई और उस लड़की को तो वो यहाँ लाए ही नहीं, ये वैन तो खाली आई थी, रास्ते में ही उतार लिया होगा। शिखर तुरंत वहां से उठ खड़ा होता है और उस बंगले की तरफ भागता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहे थे, कहीं सचमुच तो देर नहीं हो गई, शीना के साथ उन लोगों ने क्या किया होगा और मैं उसे कहकर भी उसे नहीं बचा पाया। शिखर की सांस फूल जाती है पर रफ्तार कम नहीं होती। पीछे से एक बाइक चलने की आवाज आती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। शिखर पीछे मुड़ता है तो रवि बाइक से चला रहा है। वो बाइक पर बैठता है और रवि उसे बताता है, तेरा पीछा करते करते नाइट क्लब पहुंचा, वहां पुलिस की वैन के पीछे तुझे भागता देखकर समझ गया कि तू जरूर थाने आया होगा और यहां तू दिख गया। शिखर कहता है, बिल्कुल सही समय पे आया है, आगे जहाँ सड़क खत्म हो रही थी वहाँ से बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता जा रहा था, वहीं जाना है, शीना को वहीं ले गए हैं ये लोग। थोड़ा आगे चलकर उन्हें वो बंगला दिख जाता है। वो बंगले से थोड़ी दूर बाइक बंद करता है। बंगले के सामने दो तीन गाड़ियां खड़ी देखकर शिखर समझ जाता है कि अंदर कई सारे लोग हैं और सामने से जाना बेवकूफी होगी। वो पीछे के रास्ते से बाइक को धक्का देकर ले जाते हैं। पीछे पहुंचकर शिखर को थोड़ी ऊंचाई पर एक खिड़की दिखती है। शिखर अपने आसपास देखता है तो उसे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिसके सहारे ऊपर की ओर पहुंचा जा सके। ऊपर से शीना की चीखने की आवाज आती है। शिखर बाइक की तरफ देखता है, बाइक इधर खड़ी कर। रवि बाइक को खिड़की के नीचे दीवार के सहारे खड़ा कर देता है और खुद बाइक पर चढ़ जाता है। शिखर रवि के कंधे पर पैर रख कर खिड़की तक पहुंच जाता है और अंदर से हाथ डालकर वो खिड़की को खोल देता है और अंदर घुस जाता है। वही नेता का लड़का शीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और शीना उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। शिखर वहां पर पड़ा एक लकड़ी का लट्ठा उठाता है और पीछे से जोर से प्रहार करता है। वो लड़का सिहर उठता है और पलटकर शिखर की तरफ आता है। खिड़की पर लटक कर रवि वीडियो बना रहा है। शिखर रवि की तरफ देखता है, वीडियो क्या बना रहा है, मदद कर। वो लड़का शिखर पर अपनी बंदूक तान देता है। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता है पीछे से एक जोरदार प्रहार होता है। वो लड़का अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ता है और पीछे खड़ी है शीना आंखों में आंसू और हाथ में लोहे का सरिया लिए। शिखर भी उसे देखकर अचंभा हो जाता है और भाग कर शीना के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। शिखर शीना और रवि को इशारा करता है। शिखर ऊपर खड़ा रहता है। पहले वो शीना को खिड़की के रास्ते से नीचे उतारते हैं, फिर शिखर नीचे उतरता है और उससे पहले किसी को कुछ पता चलता तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। शिखर बस यही सोच रहा था कि अगर वो थोड़ी और देर से पहुंचता तो कभी खुद को मुंह नहीं दिखा पाता। अंत अच्छा तो सब अच्छा, शीना सुरक्षित थी, शिखर यही तो चाहता था। शिखर शीना को सीधा होटल ले जाता है। सब शिखर को देखकर गुड इवनिंग करते हैं।
शीना शिखर को देखती है और सोचती है कितनी गलत थी वो। उसे उस दिन इतना उल्टा सीधा सुना दिया। वो तो बस मदद करना चाहता था और आज वो सही सलामत यहाँ है तो सिर्फ उसी की वजह से। शिखर के मन में उतनी खुशी परीक्षा पास करने की नहीं थी जितनी शीना को देखकर हो रही थी। उसे होटल के एक कमरे में ले जाता है और कहता है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, घर तो है नहीं पर मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ। शीना शिखर को कस कर गले लगा लेती है। तभी अनन्या शिखर के पीछे पीछे कमरे तक आ पहुंचती है। कमरे का दरवाजा खुलता है, वो शीना और शिखर को दरवाजे से देखकर वापस चली जाती है। शीना शिखर से कहती है, तुमने जितना किया है आजकल उतना कोई भी नहीं करता, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी, तुमने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, हिसाब चुकता समझो, शिखर कहता है। शीना ये सुनकर मुस्कुराती है और मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम्हें इतना उल्टा सीधा सुना दिया। शिखर कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं हमेशा गलत वक्त पे गलत जगह होता हूँ, उस दिन तुम्हारी गाड़ी के सामने और फिर उस दिन नाइट क्लब में। मैं तुमसे माफी मांगने ही आया था, तुम्हें सब बताता पर उससे पहले तो अब बता दो। शीना पूछती है, दरअसल मैं कोई अमीर नहीं हूँ। शीना शिखर की बात बीच में काटते हुए बोलती है, फिर ये होटल, मैं बस खुशकिस्मत हूँ। छोड़ो, तुम भी यकीन नहीं करोगी। शिखर मुंह फेर लेता है। अरे तुम बताओगे तब ना। शिखर का हाथ अपने हाथों में लिए शीना बोलती है। शिखर एक गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है। एक दिन चमत्कार होता है, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी उसके अकाउंट में कहीं से 50 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। उन्हीं पैसों से मैंने ये होटल खरीदा और शुभचिंतक को मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। शीना को समझ नहीं आता कि क्या प्रतिक्रिया दे। वो कुछ देर सोचती हुई कहती है, फिर तुमने क्या किया उन पैसों का, वापस कर दिए? शिखर सरलता से जवाब देता है। शीना ऐसे प्रतिक्रिया देती है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। एक मिनट, क्या कहा तुमने, वापस कर दिए? शिखर कहता है, हाँ बस ये होटल है अभी, यही बेचकर मैं नाइट क्लब खरीदने वाला था पर डील हो नहीं पाई, पर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया था, बस लाने में देर हो गई, पर बस खुशी इस बात की है कि कहीं तो मैं सही वक्त पर पहुंच गया और तुम ठीक हो। शिखर इतना कहकर जाने लगता है। अच्छा मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई है, तुम भी थक गई होगी, आराम कर लो, काफी लंबा दिन था आज। शिखर शीना के कमरे से चला जाता है। शीना उसे जाते हुए देखती है। शिखर को इतनी रात को शीना के कमरे से निकलता अनन्या देख लेती है और उसे जलन होती है कि शिखर उसके अलावा किसी और के साथ समय कैसे बिता सकता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका प्लान तो हो गया साफ, अब कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अनन्या तुरंत किसी को फोन मिलाती है और दिनेश से बात करवाने को कहती है। अगले दिन अनन्या अपने फोन पर किसी से बात कर रही है। उसे निर्देश देते हुए, इस काम के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं है, उसको एक नोटों की गड्डी पकड़ाते हुए काम समझा देना, बस इतना करना है कि अस्पताल पहुंच जाए। और जान से मारने के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, दूसरी तरफ से आवाज आती है। जान से मारना भी नहीं है, बस जितना बोला गया है उतना ही करना है। अनन्या ये बोलते हुए फोन काट देती है। अनन्या फिर अपने पापा को फोन लगा के कहती है, बस अब कल का इंतजार है, शिखर जाएगा अस्पताल और मैं उसके सामने दो आंसू बहाकर कहूंगी कि तुम आराम करो, होटल का काम मुझ पर छोड़ दो और उसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करा लूंगी। बस एक बार उसने साइन कर दिए, फिर मुझे बस पेपर के क्लॉज को चेंज करना होगा और फिर पापा होटल वापस हमारा हो जाएगा और ये शिखर कुछ नहीं कर पाएगा। मगर अभी सबसे पहले उस शीना को बाहर निकालूंगी। इधर शीना का फोन बजना शुरू होता है। वो फोन नहीं उठाती तो संदेश आने शुरू हो जाते हैं। वो तनाव में आ जाती है और यही सोचती है कि वो फिर किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और उस नेता के बेटे को भी वो जानती थी कि ऐसे ही उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो जो चाहता है जब तक नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठता। शीना को कुछ नहीं सूझता, वो परेशान होकर अपना फोन लेकर शिखर के पास जाती है। शिखर देखता है धमकियों भरे संदेश से उसका इनबॉक्स भर गया है। शिखर रवि को फोन करके वो वीडियो मंगवाता है। रवि तुरंत ही उसे वो वीडियो भेज देता है जो उस दिन उसने खिड़की से लटक कर बना ली थी, जिसमें पॉलिटिशियन का लड़का शीना के साथ जबरदस्ती करते हुए साफ देखा जा रहा था और जिस नंबर से धमकियां आ रही थी उस पर वो मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और शीना के फोन से उस नंबर पर फोन लगाता है। दूसरी ओर वही नेता का लड़का जवाब देता है, मेरे आदमी लगे हैं तेरे और उस शीना के पीछे, तुझे क्या लगता है
तू वहां से उसे बचा लाया तो वो बच जाएगी या तू बच जाएगा? मेरे आदमी लगे हैं तेरे और शीना के पीछे। शिखर उसकी पूरी बात सुनता है पर कहता है, मैं तो बाद में बचूंगा, पहले तू अपनी इज्जत बचा। वीडियो देखा? हाँ देख लिया तेरा वीडियो, पुलिस के पास जाएगा ना। चला जा, पुलिस जेब में रखता हूँ, शहर का नेता मेरा बाप है, पहले वो तुझे अंदर करेगा और उसके बाद कभी तू बाहर नहीं आ पाएगा, तब तक तेरी वो शीना तो बचेगी नहीं। शिखर गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, हम बेवकूफ थोड़े ही हैं, मेरा एक दोस्त एक बहुत जाने माने न्यूज चैनल में है और अगर ये वीडियो नेशनल टेलीविजन पर चला गया या सोशल मीडिया में चला गया तो सबसे पहले तेरे बाप की नेतागिरी जाएगी और फिर तेरा वही बाप तुझे नंगा करके मारेगा और फिर जब तू नंगा सड़क पे छोड़ दिया जाएगा ना तो जनता तुझे मारेगी। मैंने तो बस थोड़ा ही मारा था, जनता तुझे तब तक मारेगी जब तक तू अपनी जान की भीख नहीं मांगता और जैसा तू है ये पुलिस को जेब में लेकर जो तूने किया है तुझे वो भीख भी नहीं देगा कोई। बीप बीप की आवाज आती है और उधर से फोन काट दिया गया होता है। शाम के वक्त शिखर और शीना डिनर करके अपनी कार से वापस होटल लौट ही रहे होते हैं। शीना शिखर से कहती है, तुमने आज फिर मुझे बचा लिया। अरे मैं कहा, वो तो भला उस रवि का कि उसने वो वीडियो बना ली। दोनों हंसते हैं। तभी टायर के पंचर होने की आवाज आती है। आसपास कोई नहीं दिखता। रात को पूरी सड़क सुनसान पड़ी है। शीना शिखर से कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम प्लीज बाहर मत निकलो। पर देखना तो पड़ेगा ना टायर, बिना बदले तो वैसे भी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। ये कहते हुए शिखर नीचे उतर जाता है और देखता है तो किसी ने सड़क पर कीले बिछाई हुई है। एक आदमी उसकी तरफ चलता हुआ आता है। शिखर उसकी तरफ देखता है। वो आदमी शिखर के पास आता है और गुस्से से कहता है, घूर क्यों रहा है? ये वही गुंडा है जिसे अनन्या ने पैसे दिए थे। वो शिखर को जोर से धक्का देता है। शिखर पीछे गाड़ी से जाकर टकराता है। अरे हद हो गई, है कौन तू? एक तो सड़क पे कीले डालकर लोगों की गाड़ियां पंचर करता है। वो गुंडा फिर धक्का देता है तो शिखर खुद को संभालता है और वापस उस गुंडे को धक्का देता है। गुंडे को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पिस्तौल निकालकर शिखर पर तान देता है। शीना पीछे से चिल्लाती है, क्या होगा शिखर के साथ और क्या अनन्या अपने इरादों में सफल हो पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।